शहर में अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए चोरी करने वाले तीन आरोपियों को सकदरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी नागपुर से गाड़ियां चुरा कर गढ़चिरौली में बेचते थे, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने दी। वहीं इस दौरान उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों से करीब 1,68,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अनेक नौजवानों का हमेशा ही सपना होता है कि जब वो कॉलेज में जाए तो वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, जिसके चलते कई नौजवान अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए गलत संगत का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही अपने ऐशो आराम को पूरा करने के लिए चोरी करने वाले तीन आरोपियों को सकरदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सकरदरा पुलिस गाड़ी चोरों के आरोपियों को ढूंढ रही थी, जिस दौरान उन्हें गुप्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिली। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सकरदरा पुलिस ने दो आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने पूरी हकीकत बयां की। इस दरमियान उन्होंने बताया कि वो नागपुर से गाड़ी चुरा कर गढ़चिरौली में बेचते थे। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। और पहली गाड़ी पकड़ी और उसके जब आरोपियों को पूछताछ की अच्छे से तो उन्होंने बताया कि और गाड़ी चार है, सकरदरा थाने की एक है, धंतोली की एक है, अजनी के दो है और नंदनवन की एक गाड़ी है। तो इस तरह 1,68,000 का माल गाड़ियाँ हमने हमारी टीम ने जब्त की है और तीन आरोपी अटक है। सर, आरोपियों के नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करना चाहते हैं, पहले भी गुनाह वगैरह हैं? नए आरोपी का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, स्टूडेंट एक 19 साल 20 साल 21 साल ऐसी उम्र है। उसमें एक है संकेत माड़ावी, गढ़चिरौली का है, और दूसरा है नीरज किरंगे, वो भी गढ़चिरौली का है, तीसरा है अविश साखरे, वो भी गढ़चिरौली का है। तीनों लड़के अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं लेकिन ये गलत राह पर चल गए, तो ऐसे काम है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम संकेत उर्फ राजू पतिराम मड़ावी, नीरज आनंद किरंगे और अविनाश पुनाजी साखरे बताया गया और उनसे कुल 1,68,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।